हेलो दोस्तों, गार्डनिंग इज माय पैशन चंगन में आपका स्वागत है। ये है रातरानी का पौधा। रातरानी बड़ी ही सुंदर और खुशबूदार पौधा होता है। अगर हम बात करें खुशबूदार पौधों में तो रातरानी सबसे ही ऊपर आती है, क्योंकि वो खुशबू ही इतनी देती है कि मन को मोह लेती है, इसलिए उसे रातरानी भी कहते हैं। तो ये रात को ही महकती है और ऐसे सुबह धूप होते ही ये फूल इसके झड़ जाते हैं और ये महकना बिल्कुल बंद कर देती है शाम के टाइम। रात को बहुत और सुबह के टाइम बहुत अच्छी खुशबू देती है। फूल इसमें बरसात में भी आते हैं और कभी कभी गर्मी में भी आए, पर उस समय रातरानी में खुशबू बिल्कुल नहीं आती है। सर्दी में ही जब फूल देती है, सर्दी में ही बहुत अच्छे से ये खुशबू देती है। बहुत ही सुंदर इसका पौधा होता है। तो ये लगी हुई है, फूल वैसे बहुत अच्छे देती है। अगर किसी के नहीं दे रही है तो कृपया ध्यान रखें, ये पौधा धूप में होना चाहिए। अगर छांव में अगर रखा होगा या लगा होगा तो ये फूल नहीं देगी और खुशबू भी इसमें नहीं आ पाएगी। अगर आप गमले में लगा रखा है या ज़मीन में लगाया है आपने, तो इसको आप प्रॉपर ही धूप में रखें। सर्दी के टाइम वैसे भी धूप कम हो जाती है, तो धूप में ही रखें, प्रॉपर धूप में ही लगाएं, तभी ये बहुत सुंदर फूल देगी, बहुत अच्छे खुशबू इसमें आने लगेगी। अगर फिर भी ये फूल नहीं दे रही है तो आप अपनी रातरानी में चारों तरफ अच्छे से गड्ढा करें, थोड़ा थोड़ा, जड़ नहीं कट जाए उसी हिसाब से गड्ढा बनाएं। और आप अपने रातरानी के पौधे में जो 1 से 2 साल जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है उसकी जड़ों में आप उसको डालें और ऊपर से मिट्टी डाल दें और अच्छे से गुड़ाई कर दें और आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, तो आप देखोगे 10 से 15 दिन में आपके रातरानी में फूल ही फूल, हज़ारों फूल से भर जाएगी रातरानी। इतने ज़्यादा पत्ते नहीं होंगे, उससे ज़्यादा फूल ही फूल आपको दिखने लगेगा, क्योंकि गोबर खाद सारे पोषक तत्वों की पूर्ति कर देता है और पौधा को जितनी एनर्जी और जितना पूरा पोषक तत्व चाहिए उतना गोबर की खाद से मिल जाता है, तो उसमें फूलों से बहुत भर जाएगी। ये आप गोबर की खाद डाल के देख सकते हो। एक बार फूल अगर रातरानी में ख़त्म हो जाए तो थोड़ी थोड़ी ऊपर से उसकी कटिंग कर देनी चाहिए, जिससे कि तुरंत ही नए पीके पत्ते और डंडियाँ निकल जाती हैं, जिससे पौधा फिर दोबारा से फूल आ जाते हैं और पूरी सर्दी भर भरा रहेगा। ये आप गोबर की खाद डाल के देख लीजिए, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, पौधा भर जाएगा।